हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन में हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर कैलकुलस, और वेक्टर कैलकुलस के अंदर हम पढ़ रहे हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन के हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कंप्लीट कर लिया है, और आज हम स्टार्ट करेंगे कर्ल एंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जब मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट किया था हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर हम वेक्टर डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होगा, वेक्टर ऑपरेटर को अप्लाई करना होगा। वेक्टर ऑपरेटर क्या होता है, वेक्टर ऑपरेटर हमारे पास होता है डेल। देखिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर ऑपरेटर। अगर आप इस वेक्टर ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेडियंट मिलेगा। ये सब मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। अगर आप वेक्टर ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको ग्रेडियंट मिलेगा। बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर आप इस वेक्टर ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे वेक्टर फंक्शन पे, ध्यान देना, अगर आप अप्लाई करेंगे वेक्टर फंक्शन पे, तो अब यहां पर 2 केस आएंगे। देखिए, जब आप इस ऑपरेटर को वेक्टर फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो ये ऑपरेटर खुद एक वेक्टर है। देखिए वेक्टर की फॉर्म में, आईजे के की फॉर्म में है, यानी कि जो वेक्टर ऑपरेटर है ये भी एक वेक्टर ही है। और आप जब इसको वेक्टर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वहां पर 2 केस बनेंगे, या तो डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, वेक्टर ऑपरेटर का और जिस फंक्शन पे आप इसको अप्लाई कर रहे हैं उसका, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। आप सब अच्छे से जानते हैं कि जब हम 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो उनमें डॉट प्रोडक्ट होता है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ध्यान रखना, अगर आप इस वेक्टर ऑपरेटर को वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट हुआ तो आपको मिलेगा डाइवर्जेंस। देखिए डॉट प्रोडक्ट पर क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आपने किया क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा कर्ल। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर हम वेक्टर ऑपरेटर को वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो हमें डाइवर्जेंस भी मिल सकता है और कर्ल भी मिल सकता है। अगर उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हुआ तो डाइवर्जेंस मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ तो कर्ल मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले जो आज हम डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, दोनों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यानी कि आज के लेक्चर में मैं आपको डाइवर्जेंस और कर्ल को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। यानी कि आज मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लॉन्ग में नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे डाइवर्जेंस एंड कर्ल के 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जो मैं आज कराऊंगा वहां से केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का लेक्चर समझ में आएगा तभी इसके बाद वाले लेक्चर भी समझ में आएंगे, क्योंकि आज हम एकदम बेसिक पढ़ेंगे डाइवर्जेंस और कर्ल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाइवर्जेंस के बारे में। तो देखिए, व्हाट इज डाइवर्जेंस, द डाइवर्जेंस ऑफ ए डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ध्यान देना, अगर आप किसी ऐसे वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस लेते हैं जो डिफरेंशिएबल है, क्या है, डिफरेंशिएबल। याद रखना, जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो हम उसका डाइवर्जेंस नहीं ले सकते, ठीक है ना। डाइवर्जेंस किसका लिया जाएगा, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इज डिनोटेड बाय, अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करेंगे DIV, शॉर्ट में लिखते हैं डाइवर्जेंस को DIV, ये शॉर्ट फॉर्म है डाइवर्जेंस की। जैसे अगर हमें V क्या है, V एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो अगर आप V का डाइवर्जेंस लेते हैं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। डाइवर्जेंस ऑफ, देखिए DIV लिखेंगे और उसके बाद जिसका डाइवर्जेंस लेना है वो फंक्शन आप लिख देंगे। जैसे हम यहां पर डाइवर्जेंस ले रहे हैं वी वेक्टर का, तो यहां पर हमने वी लिख दिया। अब देखो ये किसके इक्वल होगा, जरा ध्यान दीजिए। तो डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू
डेल डेल क्या है यहां पर? वेक्टर ऑपरेटर है, इसको वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो ये वेक्टर ऑपरेटर है, तो अगर आप वेक्टर ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ? वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ, तो आपको डाइवर्जेंस मिल जाएगा, यानी कि डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है ना। सिर्फ आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है। वेयर, अब देखो यहां पर डेल क्या है? वेक्टर ऑपरेटर, जिसको आप पहले से ही जानते हैं, वेक्टर ऑपरेटर ये लिखा हुआ है, ठीक है। वी क्या है? ये हमें गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ये क्वेश्चंस में हमें गिवन होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखना, यहां पर फॉर्मूले में हमने फंक्शन को वी वेक्टर लिया है। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में भी हर जगह वी वेक्टर ही होगा, वहां एफ भी हो सकता है, वहां कोई और वेरिएबल भी हो सकता है फंक्शन के लिए। तो यहां पर फॉर्मूले में हम वी ले रहे हैं, ठीक है ना, बाकी जगह क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? वी वेक्टर हो गया। वी वेक्टर देखिए देखिए, अगर फंक्शन आपको वेक्टर की फॉर्म में गिवन है तो वहां पर आई जे और के तीनों होंगे। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का करना है डॉट प्रोडक्ट। डेल की जगह आप इसको पुट कर देंगे और वी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहां पर ये दोनों का हमें क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो देखिए, जब आप इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट करना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं स्केलर प्रोडक्ट आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं लेक्चर वन में। चलिए, तो यहां पर क्या करेंगे? देखिए, आई का आई के साथ करेंगे तो वन हो जाएगा, आई डॉट आई वन होता है, यानी कि ये आ जाएगा डेल वी वन अपॉन डेल एक्स, डेल वी वन अपॉन डेल एक्स। फिर जे डॉट जे वन हो जाएगा और ये आ जाएगा डेल वी टू अपॉन डेल वाई, और के डॉट के भी वन हो जाएगा, डेल वी थ्री अपॉन डेल जेड आ जाएगा। यानी कि फाइनली हमारे पास जो डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करने का कह सकते हैं जो फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करने के बाद वो ये आ जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन कैसे करना है उसके भी लिए बता देता हूं। देखिए, अब यहां पर आप चाहे तो स्टार्टिंग कुछ देखिए, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आप सबसे पहले लिखेंगे डाइवर्जेंस, जो भी गिवन फंक्शन होगा पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको जो गिवन फंक्शन है आप डेल का उसके साथ इस तरह से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, या आप इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं और आप सीधे यहां पर पहुंच सकते हैं। देखिए, आपको जो गिवन फंक्शन होगा उसमें जो आई का कोफिशियंट होगा उसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए, जो j का कोफिशियंट होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, और जो k का कोफिशियंट होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे z के रेस्पेक्ट में। इस तरह से आपको डाइवर्जेंस मिल जाएगा। नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। मतलब क्या है इसका, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, ये हमें डाइवर्जेंस मिलेगा। अगर आप इसमें देखें डाइवर्जेंस में, तो इसमें आई जे के कैप नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो डाइवर्जेंस होगा वो स्केलर होगा, यानी कि अगर आप किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो स्केलर आएगा। और देखो, सिंपल सी बात है, यहां पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और आप अच्छे से जानते हैं कि दो फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आता है। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। चलिए, अब डाइवर्जेंस के ऊपर बेस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या है। इफ वी इक्वल टू, यहां पर देखो वी क्या है, एक वेक्टर हमें गिवन है, वी वेक्टर है ना, वी क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है, और इसकी वैल्यू कितनी है? वी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई कैप टू एक्स स्क्वायर वाई जेड कैप माइनस थ्री एक्स थ्री वाई जेड स्क्वायर के कैप, देन फाइंड द डाइवर्जेंस। आपको डाइवर्जेंस निकालना है V का, कौन से पॉइंट पर? 1,1,1 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है जिसका हमें डाइवर्जेंस लिखना है? तो एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई जेड जे कैप माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर के कैप, ये है हमारे पास गिवन फंक्शन। अब आगे क्या करेंगे जरा ध्यान दे रही, हमें इसका निकालना डाइवर्जेंस, तो हम लगाएंगे डाइवर्जेंस का फॉर्मूला, ये रहा। तो क्या लिखेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट वी वेक्टर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अब मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा, तो वैल्यू पुट करिए डेल की। डेल की वैल्यू कितनी होती है? आई कैप डेल बाई डेल एक्स, आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड।
ये तो आ गया डेल। अब नाउ डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट लगाएंगे। वी वेक्टर, वी वेक्टर की वैल्यू ये लिखिए, इसको भी कॉपी कर दीजिए। तो कितना आएगा, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई जेड जे कैप माइनस थ्री वाई जेड स्क्वायर के कैप। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, देखें अब इन दोनों का करेंगे डॉट प्रोडक्ट। देखिए आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना, आई डॉट आई तो हो जाएगा वन, यानी कि ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस यहां पर जे डॉट जे वन हो जाएगा, तो ये आएगा डेल अपॉन डेल वाई टू एक्स स्क्वायर वाई जेड। देखिए ध्यान दीजिएगा, जे डॉट जे वन हो गया और डेल बाई डेल वाई रहेगा और ये जो यहां लिखा वो क्वांटिटी आ जाएगी। माइनस, देखिए प्लस है वो माइनस है तो माइनस आएगा, के डॉट के वन हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड और यहां थ्री वाई जेड स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो आगे, अब एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए यहां तो मैंने ये स्टेप लिखा, अगले क्वेश्चन में मैं इस स्टेप को नहीं लिखूंगा। ये स्टेप कोई लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान देना, देखिए अगर आप फॉर्मूले पे देखें तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, डेल वी वन अपॉन डेल एक्स। एक्चुअल में वी वन है क्या, वी वन आई कैप का कोफिशियंट होगा, जो गिवन फंक्शन है ना आपको, आई कैप का जो कोफिशियंट है वो वी वन है, यानी कि हम सीधे यहां वी वन लिखेंगे और यहां पर सीधे वी टू लिखेंगे जो जे कैप का कोफिशियंट होगा और यहां वी थ्री लिखेंगे। यानी कि सीधी सी बात यह है कि इस स्टेप को नहीं लिखेंगे हम इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिखेंगे। यहां कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, डेल बाई डेल एक्स, देखो यहां पर जो आई का कोफिशियंट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, जो जे का कोफिशियंट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे और जो के का कोफिशियंट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे। यही आपको करना है डाइवर्जेंस निकालते समय। चलिए अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं, देखिए कितना आएगा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहां एक्स वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स का वन हो जाएगा, तो इसका आएगा पार्शियल डेरिवेटिव वाई स्क्वायर प्लस, इधर आ जाइए, इसको y के रेस्पेक्ट में करना है तो देखो y का तो 1 हो जाएगा, 2x स्क्वायर z कांस्टेंट है, 2x स्क्वायर z जो कांस्टेंट है वही बचेगा, x का y का 1 हो जाएगा। माइनस यहां पर जरा ध्यान दीजिए, 3y कांस्टेंट है, z स्क्वायर का हो जाएगा 2z, तो ये बन जाएगा 6y z, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट कहां पर करना है जरा ध्यान दीजिए, हमसे कहा गया कि डाइवर्जेंस कैलकुलेट करिए 1 1 पे, तो एट 1,1,1 तो देखिए 1,1 पे डाइवर्जेंस कितना होगा जरा ध्यान दीजिए, तो डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए पहले डाइवर्जेंस को लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर जेड माइनस सिक्स वाई जेड। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, एक्स की जगह भी 1 पुट करेंगे, y की जगह भी 1 पुट करेंगे और z की जगह भी, तो यहां तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, देखिए डायरेक्टली लिख लेते हैं 2 एक्स स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, z की वैल्यू 1 है, माइनस 6 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आ गया 1 प्लस 2 माइनस 6, यानी कि आ जाएगा 3 माइनस 6। तो हमारे पास जो डाइवर्जेंस आ गया v वेक्टर का, डाइवर्जेंस कितना आ गया वी वेक्टर का, माइनस 3 आ गया। तो ये हमारा क्या है, फाइनली यहां से आंसर आ गया, तो डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू 3। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर कितना है, माइनस 3 है। तो बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना, आपको क्या करना है, पहले फंक्शन को लिख लेना है, फिर ये फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद सीधे इस स्टेप को लिखना जरूरी नहीं है, लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, हम सीधे ये लिखेंगे, ठीक है ना। जो आई का कोफिशियंट है वो डेल बाई डेल एक्स के साथ आएगा, जो जे का कोफिशियंट है वो डेल बाई डेल वाई के साथ आएगा और जो के का कोफिशियंट है वो डेल बाई डेल जेड के साथ आएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप मान के चलिए कि आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना आ गया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी डाइवर्जेंस का है, ध्यान दीजिए जरा क्या कहा गया कि इफ आर वेक्टर, अब देखो यहां पर वी वेक्टर नहीं दिया, हमेशा फंक्शन वी नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, यहां आर दिया है, तो इफ आर वेक्टर, देखिए आर वेक्टर आपको गिवन है,
कितना है r वेक्टर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो दैट अगर ये r वेक्टर है तो आपको शो करना है कि इसका जो डाइवर्जेंस है ना वो 3 है। कितना है? 3 है। तो चलिए पहले डाइवर्जेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट r वेक्टर, डेल डॉट r वेक्टर। अब जरा इधर ध्यान देंगे। अब मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। देखिए डेल अपॉन डेल एक्स, अब मुझे बताओ यहां पर आई का कोफिशियंट कितना है, एक्स है, तो यहां पर एक्स आएगा। प्लस डेल अपॉन डेल वाई, अब यहां पर जे का कोफिशियंट बताओ कितना है, वाई है। प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और यहां पर के का कोफिशियंट कितना है, जेड है, तो यहां पर जेड आएगा। अब देखिए कितना आंसर आ जाएगा, जरा ध्यान दें। एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के ही रेस्पेक्ट में वन होगा तो ये आएगा वन। प्लस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के ही रेस्पेक्ट में वन, और जेड का पार्शियल डेरिवेटिव जेड के ही रेस्पेक्ट में वन। तो हमारे पास आ गया डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू वन प्लस 3। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। कितना आंसर आया? ठीक है। तो देखिए 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी जो दोनों क्वेश्चन आपको कराए ये दोनों यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, ठीक है ना। हाँ, आपको बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आई का जो कोफिशियंट है वो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, जे का कोफिशियंट वाई के रेस्पेक्ट में, के का कोफिशियंट जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। मैं बीच वाला स्टेप नहीं लिख रहा हूं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज सोलिनोइडल वेक्टर, सोलिनोइडल वेक्टर। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो डाइवर्जेंस होता है, कर्ल होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज मैं केवल आपको डाइवर्जेंस और कर्ल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसका कैलकुलेशन है मैं आपको सिखा रहा हूं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज सोलेनोइडल वेक्टर। सोलेनोइडल वेक्टर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, और यहां से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में, है ना, 2 मार्क्स में। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है देखिए, इधर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले ये देखिए सोलेनोइडल वेक्टर किसी भी वेक्टर को कब कहा जाएगा, यानी कि किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को सोलेनोइडल वेक्टर कब कहेंगे ये हमें पता होना चाहिए। देखिए कंडीशन क्या है, इफ डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू 0 देन वी वेक्टर इज कॉल्ड सोलेनोइडल वेक्टर। अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है वो सोलेनोइडल वेक्टर है, ठीक है ना। सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये सब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी केवल हम कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। तो देखिए यहां पर सोलेनोइडल वेक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका डाइवर्जेंस कितना आएगा, 0 आएगा। तो सोलेनोइडल वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर यही है, कितना आता है, 0। चलिए अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, सो दैट ये आपको एक वेक्टर गिवन है, क्या गिवन है, एक वेक्टर गिवन है, और आपको ये शो करना है कि ये जो गिवन वेक्टर है, ये जो गिवन वेक्टर है ये सोलेनोइडल है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको ये प्रूफ करना है कि इसका डाइवर्जेंस 0 है, इसका डाइवर्जेंस क्या है, 0 है। तो चलिए इसका डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं, देख लेते हैं 0 है कि नहीं है। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, वी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y आई कैप प्लस वाई माइनस 3z जे कैप प्लस एक्स माइनस 2z के कैप। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। अब हम फार्मूला लगाते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करने का, तो फार्मूला हमारे पास है डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट वी वेक्टर, है ना। दूसरा आप चाहें तो देखिए जो मैंने आपको फार्मूला लिखाया था मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। आप चाहें तो पहले इस फॉर्मूले को लिख लें। तो देखिए अगर आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, यानी कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल वी वन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी टू अपॉन डेल वाई प्लस
डेल वी थ्री अपॉन डेल जेड। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि वी वन वी टू वी थ्री क्या है। तो देखिए वी वन वी टू वी थ्री क्या है, वी वन जो होता है वो आई कैप का कोफिशियंट है, जो जे होता, जो वी टू होता है वो जे का कोफिशियंट है, और जो वी थ्री होता है वो के का कोफिशियंट है। बात समझ में आ गई, यानी कि वी वन हमेशा आई का कोफिशियंट होगा, वी टू हमेशा जे का कोफिशियंट होगा, और वी थ्री जो होगा वो के का कोफिशियंट होगा। यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स कितना है वी वन, एक्स प्लस थ्री वाई, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और वी टू कितना है वाई माइनस थ्री जेड, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और यहां पर v3 कितना है x माइनस टू जेड। तो यहां पर ये हमारे पास आ गया। अब आगे देखिए, देखें जरा, तो हमारे पास जो आ गया डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा, जरा इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दें। देखो इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे आप तो देखो 3y तो कांस्टेंट हो गया, 3y का 0 और x का 1, यानी कि आपके पास सिंपली आएगा 1 प्लस। आगे देखो इसका y के रेस्पेक्ट में करना है तो देखो 3z कांस्टेंट हो गया, 3z का 0 और y का 1 हो जाएगा, तो फिर से 1 आ गया नाउ प्लस। अब आगे देखें जरा प्लस, यहां पर z के रेस्पेक्ट में करना है, x कांस्टेंट है, x का 0 हो गया, 2z का माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 2। देखो ये कितना आ गया, 1 प्लस 1 2 और माइनस 2, 2 माइनस 2 0। इसका मतलब जो डाइवर्जेंस है v वेक्टर का वो 0 आ गया, डाइवर्जेंस कितना आ गया 0। अब डाइवर्जेंस 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह सोलोनाइडल वेक्टर है। देखो यही तो बोला था कि अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 आ जाता है तो वो वेक्टर सोलोनाइडल वेक्टर होता है। तो हमें यही प्रूव करना था कि यह सोलोनाइडल वेक्टर है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, हेंस वी वेक्टर इज अ सोलिनोइडल वेक्टर। तो जो v वेक्टर है वो एक सोलिनोइडल वेक्टर है, ये हमने यहां पर प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोलिनोइडल वेक्टर का। तो कोई भी वेक्टर सोलिनोइडल वेक्टर कब होगा, जब उसका डाइवर्जेंस 0 होगा। तो डाइवर्जेंस को 0 कर दीजिए, वेक्टर सोलिनोइडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए, तो ये तो बात हुई डाइवर्जेंस की, यानी कि डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, और मैंने आपको इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बार बार ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्ल की, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, है ना। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन के कर्ल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कर्ल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। कर्ल क्या होगा, अगर आप डेल का वेक्टर ऑपरेटर का और फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको कर्ल मिलेगा। देखिए द कर्ल और रोटेशन, इसको और क्या बोला जाता है, रोटेशन बोलते हैं, ऑफ और डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप ध्यान रखें कि चाहे डाइवर्जेंस हो या कर्ल हो, डाइवर्जेंस और कर्ल उसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का लिया जाएगा जो डिफरेंशिएबल हो। तो यहां पर हमने वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले लिया वी वेक्टर डिनोटेड बाय, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करेंगे कर्ल वी वेक्टर से, कर्ल वी वेक्टर से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन कि हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इज डिफाइंड एज। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान दीजिए इधर, मैं यहां पर लिख रहा हूं कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए तो कर्ल ऑफ वी वेक्टर, कर्ल ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा, डेल क्रॉस वी वेक्टर। देखो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, जबकि डाइवर्जेंस में यहां पर क्या आया था, डॉट प्रोडक्ट आया था, क्या आया था, डॉट प्रोडक्ट, और यहां पर मैंने क्या लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक तो यहां पर डिफरेंस आ गया कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब आगे देखें जरा, देखिए चलिए, अब यहां पर मैं वेयर, अब यहां ध्यान दें वेयर, यहां पर डेल क्या है, वेयर डेल आप जानते हैं, डेल इज अ वेक्टर ऑपरेटर, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप
डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। एंड वी वेक्टर ये भी आप जानते हैं, वी वेक्टर क्या होगा यहां पर, वी वन आई कैप, वी टू जे कैप, वी थ्री के कैप, ये हमारे पास गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको कर्ल मिल जाएगा। अब यहां पर देखें जरा कर्ल क्या होगा, देखिए तो यहां पर हमारे पास अगर मैं कर्ल कैलकुलेट करूंगा तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, कर्ल ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट आपका हो जाएगा क्रॉस वी वन आई कैप वी टू जे कैप वी थ्री के कैप। और आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट करने का मेथड क्या होता है, ये मेरे ख्याल से सभी को आ गया होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, पहले लेक्चर में ही हमने सीख लिया था, है ना। बाकी आप लोगों को क्लास 12 से आता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, है ना। तो देखिए यहां पर अब इसको हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान दीजिए। तो कर्ल वी देखिए, कर्ल वी को कैसे निकालेंगे आप जरा ध्यान देना। देखिए इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको मालूम होगा हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट का, किसका यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट। क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप जरा ध्यान से देखना। देखिए ये वाला स्टेप हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इस स्टेप को हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ये इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे। देखिए हमारे पास यहां पर दो वैक्टर हैं, एक डेल ऑपरेटर और दूसरा गिवन वैक्टर पॉइंट फंक्शन। तो देखिए सब पहले कौन सा आ रहा है, पहले डेल ऑपरेटर आ रहा है। देखिए यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में यह भी इंपॉर्टेंट है कि कौन पहले आ रहा है और कौन बाद में आ रहा है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। तो इसलिए ऑर्डर का भी ध्यान रखेंगे, तो जो वैक्टर पहले आ रहा है उसके कोफिशियंट पहले लिखे जाएंगे और जो बाद में आ रहा है उसके कोफिशियंट बाद में लिखे जाएंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए पहले रो में तो आप लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप, सेकेंड रो में जो आपका पहले लिखा गया वेक्टर है पहले वाले वेक्टर के कोफिशियंट आएंगे, तो इस वेक्टर के कोफिशियंट है डेल बाई डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, और जो थर्ड वेक्टर है उसके कोफिशियंट है वी वन वी टू एंड वी थ्री, v3 हमारे इसके कोफिशियंट है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, यहां पर इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम कर्ल को कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा कर्ल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम क्या करेंगे, इस स्टेप को मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, बाकी हम क्वेश्चन में इस स्टेप को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस स्टेप को लिखना जरूरी नहीं है, आपको क्या जरूरी है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया डेल क्रॉस वी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि डेल पहले आएगा और जो गिवन पॉइंट फंक्शन है, गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वो बाद में आएगा। जो डेल होगा उसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी, जो ये वी वेक्टर है ये क्वेश्चन वाइज को चेंज होगा, अलग अलग क्वेश्चन में वी वेक्टर की वैल्यू अलग अलग होगी। और जरूरी नहीं क्वेश्चन में वी वेक्टर हो, वहां एफ वेक्टर हो सकता है, वहां पी वेक्टर हो सकता है, वहां क्यू वेक्टर हो सकता है। चलिए तो अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कर्ल को कैलकुलेट करना भी आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ऑल्सो ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो सीधी सी बात है, जो डाइवर्जेंस होता है वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए वो स्केलर होता है। लेकिन जो कर्ल होता है वो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर। तो इसलिए कर्ल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था कि ग्रेडियंट वेक्टर होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, वेक्टर। डाइवर्जेंस स्केलर एंड कर्ल इज ऑल्सो वेक्टर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कर्ल के ऊपर बेस्ड है। इफ आर वेक्टर, आपको आर वेक्टर दिया है और आपको ये शो करना है
कि जो कर्ल है इस वेक्टर का वो जीरो है। कितना है? जीरो वेक्टर है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गिवन फंक्शन लिख लेता हूं। तो हमारे पास यहां पर आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये तो गिवन फंक्शन है। अब क्या करेंगे, इसका कर्ल कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दें जरा, तो कैसे होगा कर्ल कैलकुलेट आर वेक्टर का? पहले फॉर्मूला लिखेंगे डेल क्रॉस आर वेक्टर, और आप जानते हैं डेल क्या होता है और आर क्या होता है, आर तो हमें यहीं पर गिवन है। फॉर्मूला देखिए, मैं यहां पर सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूं। पहले में क्या आएगा, आई कैप जे कैप और के कैप। सेकंड रो में डेल, देखिए डेल जो हमारे पास डेल होता है उसके कोफिशियंट आएंगे। क्या आएंगे? कोफिशियंट। चलिए एक बार मैं कोफिशियंट भी लिख देता हूं, लेकिन देखो एक बार लिख ही लेते हैं। डेल कितना है? डेल है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और आर वेक्टर, आर वेक्टर हमारा ऊपर लिखा हुआ है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये हमारे पास है। हमें क्या करना है, डेल भी हमें पता है, आर वेक्टर भी हमें पता है, तो इधर जरा ध्यान दें, मैं इधर लिख लेता हूं। देखो अब हमें निकालना कर्ल ऑफ आर वेक्टर। तो कर्ल ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहां पर सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए पहली रो में आएगा आई जे के आई कैप जे कैप के कैप। दूसरी रो में देखिए पहले कौन है, डेल, तो डेल के कोफिशियंट आएंगे, तो ये भी फिक्स है हमेशा, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। थर्ड रो में आर वेक्टर के कोफिशियंट आएंगे जो कि एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक, अब यहां पर देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं कितना आ जाएगा। डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ओपन करना आप सबको अच्छे से आता है ना। तो हम जनरली यहां पर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट डिटरमिनेंट को ओपन किया जा सकता है, लेकिन मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं इसको फर्स्ट रो के अलावा। तो देखिए क्या आएगा, आई कैप को बाहर लिखेंगे। देखिए आई कैप को बाहर लिखेंगे, कैसे ओपन करेंगे डिटरमिनेंट को, आई कैप को हमने यहां लिखा, तो आई कैप वाली रो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास ये 2x2 का डिटरमिनेंट बचेगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे यानी कि डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास आएगा डेल अपॉन डेल वाई और जेड माइनस माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि डेल अपॉन डेल जेड और वाई, कितना आएगा वाई। तो ये हमारे पास आ गया आई कैप के साथ। नाउ अब माइनस साइन आएगा जे कैप, माइनस साइन आएगा जे कैप, और यहां पर देखिए ब्रैकेट में कितना आएगा, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स जेड माइनस, देखिए इसको और इसको छोड़ा है हमने तो इधर, और ये माइनस डेल अपॉन डेल जेड डेल अपॉन डेल जेड और एक्स, ये सेकंड ब्रैकेट हो गया, प्लस के कैप। अब जरा ध्यान देंगे के कैप, तो यहां पर देखिए इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे जिसमें के कैप है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो डेल अपॉन डेल एक्स और वाई आ जाएगा, है ना। डेल इसको और इसको छोड़ दिया तो डेल अपॉन डेल एक्स वाई और माइनस डेल अपॉन डेल वाई और यहां पर आएगा एक्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब जरा आगे देखें नेक्स्ट स्टेप में, देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये जेड है और जेड को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ रहा है। भाई यहां पर डेल जेड अपॉन डेल वाई का मतलब क्या है कि हम जेड को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, जेड तो कॉन्स्टेंट हो गया क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा, आई कैप ब्रैकेट में आएगा जीरो, इसका देखिए वाई का जेड के रेस्पेक्ट में जीरो माइनस जे कैप, यहां देखो जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में अगेन जीरो, एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में जीरो प्लस के कैप, यहां पर देखिए वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो और एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में जीरो, तो ये तो सभी जीरो आ गया। देखिए ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, यानी कि ओवरऑल हमारे पास आ गया जीरो। क्या आ गया? जीरो वेक्टर। तो हमसे क्या कहा था कि प्रूफ करिए कि जो कर्ल है आर वेक्टर का वो जीरो है, और यहां पर आर वेक्टर का कर्ल जो है वो क्या आ गया, जीरो आ गया।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो यही हमें प्रूव करना था, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्या आर वेक्टर आपको दिया है, आपको सीधे ये फॉर्मूला लगा देना और वहां वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि डेल पहले आ रहा है तो डेल में डेल की वैल्यू ये है। तो यहां पर आई जे के कोफिशियंट आप पहली रो में लिखेंगे और दूसरी रो में, सॉरी यहां पर पहली रो में आई जे के लिखेंगे और दूसरी रो में डेल में जो आई जे के कोफिशियंट है वो यहां लिखेंगे और तीसरी रो में आर वेक्टर के जो भी गिवन पॉइंट फंक्शन है आपको उसके जो कोफिशियंट है वो थर्ड रो में लिखेंगे और इस डिटरमिनेंट को ओपन कर देंगे, आपको कर्ल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल इतना करना है, ये स्टेप भी लिखना आपको जरूरी नहीं है, आप सीधे गिवन फंक्शन लिखिए, कर्ल लिखिए और ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दीजिए। इतना छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको यूनिवर्सिटी में दो नंबर में पूछा जाता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, तो यहां पर देखिए नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इरोटेशनल वेक्टर। इरोटेशनल वेक्टर देखिए एक्चुअल में जो कर्ल होता है वो रोटेशन से रिलेटेड होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी समझिए कि इरोटेशनल वेक्टर क्या होता है। इरोटेशनल वेक्टर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, दो नंबर के लिए। अगेन देखिए सोलेनोइडल वेक्टर और इरोटेशनल वेक्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जनरली हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है दो नंबर में। चलिए तो इसको समझते हैं जरा क्या होता है इरोटेशनल वेक्टर। देखिए जैसे अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस जीरो हो जाए तो उसको हम सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं। सिमिलरली अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल जीरो आ जाए तो उसको इरोटेशनल वेक्टर कहा जाता है। अब क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्या लिखा है क्वेश्चन, सो दैट द वेक्टर फील्ड, यहां पर हमें एक वेक्टर फील्ड मतलब वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया है, ठीक है ना, तो सो दैट द वेक्टर फील्ड, ये हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इज इरोटेशनल। हमें ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि ये इरोटेशनल है। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसका जो कर्ल है वो जीरो आएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसके कर्ल को। तो हमें गिवन फंक्शन क्या है, मैं उसको लिख लेता हूं पहले, वी वेक्टर इज इक्वल टू साइन वाई प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स कॉस वाई माइनस जेड आई कैप प्लस, सॉरी आई नहीं है यहां पर, जे है, जे कैप, एक्स कॉस वाई माइनस जेड जे कैप प्लस एक्स माइनस वाई के कैप इज अ इरोटेशनल वेक्टर। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। देखिए तो यहां से देखिए कितना आएगा, ये तो v वेक्टर आ गया। अब फॉर्मूला लिखते हैं, तो देखिए कर्ल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्ल ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस v, डेल क्रॉस v वेक्टर। अब यहां पर फॉर्मूला लगा देता हूं मैं डायरेक्ट, देखिए फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर i कैप, फिर यहां पर j कैप और यहां पर मैं लिख देता हूं k कैप। अब यहां पर देखिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, देखिए कितना आएगा। तो सबसे पहले डेल, डेल के जो कोफिशियंट होते हैं वो आएंगे और डेल के कोफिशियंट आप अच्छे से जानते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। उसके बाद जो हमें गिवन वेक्टर होता है उसके कोफिशियंट लिखेंगे, तो जो हमें गिवन वेक्टर है वो ये है, इसके कोफिशियंट लिखिए, आई का कोफिशियंट है साइन वाई प्लस जेड, साइन वाई प्लस जेड, जे का कोफिशियंट है x cos y माइनस जेड और k का कोफिशियंट है x माइनस वाई। अब इसको क्या करना है, अब इसको कर देंगे सीधे सीधे एक्सपेंड। देखिए अब इसको करेंगे एक्सपेंड तो हमें कर्ल मिल जाएगा, तो कर्ल ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए एक्सपेंड करके क्या मिलेगा, सबसे पहले i कैप लिखेंगे, i कैप ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए I कैप जिस रो में लिखा उस रो को छोड़ देंगे, जिस कॉलम में लिखा उस कॉलम को छोड़ देंगे, तो आपके पास ये बचेगा 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो देखिए क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि डेल बाई डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स और नहीं डेल अपॉन डेल वाई है, डेल अपॉन डेल वाई,
क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस। उसके बाद आगे देखें, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, माइनस माइनस आएगा माइनस। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस करके, तो यानी कि डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड और ब्रैकेट में आएगा एक्स कॉस वाई माइनस जेड माइनस जेड। तो ये हमारा आई कैप खत्म हो गया ना। अब हम स्टार्ट करेंगे जे कैप, और जे कैप का साइन आपको मालूम है, डिटरमिनेंट में बीच वाला साइन माइनस होता है, तो माइनस जे कैप ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस जे कैप यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे, अब देखिए क्या आएगा जे कैप। तो आप फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो आप दो ये बचे, दो ये बचे, यानी कि टू बाय टू का डिटरमिनेंट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो डेल बाय डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स और ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वाई। उसके बाद माइनस साइन नीचे लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना, उसके बाद माइनस साइन लगेगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ है, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो डेल बाय डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड और ब्रैकेट में आएगा साइन वाई प्लस जेड। ये हमारा दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट हो गया जे कैप का। अब चलते हैं के कैप लिखेंगे, प्लस के कैप, के का साइन प्लस होगा। देखिए डिटरमिनेंट के साइन आपको मालूम होंगे, ये प्लस माइनस प्लस है ना। चलिए प्लस के कैप, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहां पर देखो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी कि डेल बाई डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट में आएगा एक्स कॉस वाई माइनस जेड, एक्स कॉस वाई माइनस जेड माइनस, उसके बाद माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई और ब्रैकेट में आएगा साइन वाई प्लस जेड, साइन वाई प्लस जेड, और यहां पर हमारा ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस ये लाइन लिखने में समय लगेगा, इसको ध्यान से लिखना है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए तो हमें प्रूफ करना है कि इरोटेशनल है, तो मतलब ये सारी वैल्यू जीरो आएंगी, देखो जरा जीरो आ रही है कि नहीं। देखिए सबसे पहले आई कैप मैंने लिखा, अंदर देखो क्या बचेगा। देखिए डेल अपॉन डेल वाई, यानी कि वाई के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव करना है वाई के रेस्पेक्ट में, तो देखो एक्स का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और वाई का हो जाएगा माइनस वन, यानी कि यहां बचेगा माइनस वन। इधर आ जाइए, माइनस साइन लगा दिया पहले बीच वाला, अब देखो जरा जेड के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स कॉस वाई तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये तो जीरो, और जेड का हो जाएगा माइनस वन, क्या हो जाएगा माइनस वन। तो देखिए यहां पर एक माइनस यहां पर है, एक माइनस यहां पर है, तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा ये, तो देखो माइनस वन प्लस वन, ये तो जीरो हो गया। आगे चलते हैं, पहला ब्रैकेट सॉल्व, माइनस जे कैप। अब दूसरा ब्रैकेट में देखो जरा, देखो यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का वन और वाई का जीरो, यानी कि वन आएगा। अब बीच में देखो माइनस साइन है, तो माइनस, ये जेड के रेस्पेक्ट में करना है, तो साइन वाई तो कॉन्स्टेंट हो गया, जीरो और जेड का वन, तो वन माइनस वन, यानी कि ये ब्रैकेट भी जीरो आ गया। आगे देखिए थर्ड ब्रैकेट, के कैप वाला ब्रैकेट, के कैप वाले ब्रैकेट में देखिए क्या आ रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स कॉस वाई कॉन्स्टेंट, एक्स का हो जाएगा वन, तो यानी कि कॉस वाई आ जाएगा, और जेड का जीरो, अब हम लगाएंगे माइनस साइन। अब यहां जरा ध्यान देना, वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो साइन वाई का, वाई के रेस्पेक्ट में साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, कॉस वाई और जेड का जीरो, तो ये भी जीरो आ गया, कॉस वाई कट गया, वन से वन कट गया, यहां भी वन से वन कट गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ये भी कट गया, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो मतलब कुल मिला के आपके पास आ गया जीरो। क्या आ गया आपके पास, डाइवर्जेंस सॉरी कर्ल ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास फाइनली इसका जो कर्ल है वो जीरो आ गया। तो अब आप कह सकते हैं हेंस वी वेक्टर इज इरोटेशनल है ना, कैसा वेक्टर है, इरोटेशनल वेक्टर है, ये हमने प्रूफ कर दिया यहां पर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो यहां पर है वो क्या है। देखिए
क्या करना है, फाइंड द डाइवर्जेंस इन कर्ल ऑफ द वेक्टर। ये आपको एक वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर का आपको डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों निकालने हैं, है ना। देखो आपको डाइवर्जेंस निकालना भी आ गया और कर्ल को कैलकुलेट करना भी आ गया, यानी कि यहां पर मैंने आपको डाइवर्जेंस और कर्ल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको समझाया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों ही निकालने हैं। तो देखिए कर्ल डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करना आना चाहिए, सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कर्ल को कैलकुलेट करना आना चाहिए और ई रोटेशनल वेक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज। चलिए इस गिवन फंक्शन का हमें डाइवर्जेंस निकालना है, गिवन फंक्शन का डाइवर्जेंस देखिए कैसे निकलेगा, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले फंक्शन यहां पर लिखा है, मैं इस बार लिख नहीं रहा हूं। देखिए हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा पहले मैं वो लिख लेता हूं। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा फॉर्मूला, डेल डॉट आर वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर सीधे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, डेल वी वन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी थ्री अपॉन डेल जेड, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, जरा देखें ध्यान से। देखिए अब मुझे बताइए v1 कितना है, मैं आपको बता चुका हूं जो v1 होता है वो i का कोफिशियंट, v2 होता है j का कोफिशियंट, v3 होता है k का कोफिशियंट। तो चलिए यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, v1 कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई, v2 कितना है वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और v3 कितना है जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए ध्यान रखना, ये हमारे पास जो है ये है v1, ये है v2 और ये है v3, और यहां पर हमने पुट कर दिया v1 v2 v3। अब क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना, देखिए कितना आएगा। देखो पार्शियल डेरिवेटिव, देखिए x स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा x के रेस्पेक्ट में और yz का 0 प्लस यहां पर y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में 2y आ जाएगा और zx का 0, यहां पर z स्क्वायर का 2z आ जाएगा और xy का 0। यानी कि अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लें तो आपके पास जो डाइवर्जेंस आ गया r वेक्टर का वो आ गया 2x प्लस y x प्लस y प्लस z। तो ये हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। अब क्या करना है, तो डाइवर्जेंस तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इधर डाइवर्जेंस आ गया। अब मैं यहां पर इसका कर्ल को फाइंड आउट करता हूं, किसको फाइंड आउट करते हैं कर्ल। अब देखिए जरा कर्ल कितना आएगा, कर्ल देखें तो कर्ल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो कर्ल ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों एक साथ कैलकुलेट कर रहा हूं, दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, डेल क्रॉस आर वेक्टर, डेल। अब देखिए यहां पर वी वेक्टर नहीं दिया हुआ, ध्यान रखना यहां पर आर वेक्टर दिया है ना, क्या दिया है आर वेक्टर। यहां पर मैंने फॉर्मूला वी वन वी टू वी थ्री की टर्म्स में ही लगाया, क्यों, क्योंकि हम इसको वी वन और इसको वी टू और इसको वी थ्री मान दिया हमने, ठीक है। चलिए अब यहां पर यह फॉर्मूला हमारे पास आ गया, अब इसका फॉर्मूला लिखे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, तो देखिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट देखेंगे, पहली रो में आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है ना, आई जे एंड के। अब यहां पर सेकंड रो में क्या आएगा, सेकंड रो में आएंगे डेल के कोफिशियंट जो आपको अच्छे से मालूम है, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। थर्ड रो में आई जे के कोफिशियंट आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, दूसरा वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स और तीसरा जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब जरा ध्यान दें, इसके बाद क्या करना है, इसको ओपन करना है, ठीक, तो ओपन करते हैं। देखिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं किसके अलॉन्ग, फर्स्ट रो के अलॉन्ग। तो देखिए आई कैप, अब ब्रैकेट में देखें जरा क्या आएगा, देखिए ब्रैकेट में देखिए आई कैप, पहली आई कैप पहली रो में है और पहले कॉलम में, तो पहली रो को छोड़ दो, पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डेल अपॉन डेल वाई
और जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डेल अपॉन डेल जेड और ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ठीक है ना, वाई स्क्वायर जेड एक्स, ये पहला ब्रैकेट कंप्लीट। नाउ माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, अब देखें जरा दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस जे कैप, तो यहां पर देखिए इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ डेल अपॉन डेल एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ब्रैकेट में जेड स्क्वायर एक्स वाई। नाउ माइनस, माइनस के बाद देखिए आपने इस कॉलम को और इस रो को छोड़ा, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं माइनस डेल अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये दूसरा ब्रैकेट पूरा हो गया हमारा जे कैप का, माइनस मतलब प्लस के कैप। अब थर्ड ब्रैकेट में चलते हैं, देखिए के कैप फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस ये, तो डेल बाय डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस डेल अपॉन डेल जेड वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, और ये ब्रैकेट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जरा देखते हैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव इसका करते हैं कितना आएगा हमारे पास, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कर्ल ऑफ आर वेक्टर, देखिए जरा ध्यान से कितना आएगा, देखिए तो यहां पर जो हमारा कर्ल निकल के आएगा वो देखिए कितना है, देखिए यहां पर वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना तो जेड स्क्वायर का तो वन हो गया और एक्स वाई का वन हो जाएगा, एक्स आएगा, यानी कि पहले में पहले ब्रैकेट में हमारे पास आएगा एक्स, ये वाला पार्ट एक्स हो जाएगा, देखिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स, एक्स जेड स्क्वायर का जीरो और एक्स वाई का एक्स हो जाएगा, माइनस यहां देखें जेड के रेस्पेक्ट में कर रहा है वाई स्क्वायर का जीरो और जेड एक्स का हो जाएगा एक्स, तो मतलब पहले ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स आया। दूसरा ब्रैकेट चेक करते हैं, माइनस जे कैप, अब देखें यहां x के रेस्पेक्ट में करना है तो जेड स्क्वायर का जीरो और एक्स वाई का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y आएगा, माइनस साइन है उसके बाद, इधर आ जाओ, देखो जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का जीरो और वाई जेड का y आएगा, यानी कि ये भी y माइनस वाई आ गया, ये भी जीरो आ जाएगा। अब थर्ड ब्रैकेट पे चलते हैं, प्लस k कैप, देखें जरा यहां x के रेस्पेक्ट में करना है तो वाई स्क्वायर का जीरो और जेड एक्स का आ जाएगा जेड, कितना आ जाएगा जेड, माइनस यहां करना है वाई के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का जीरो और वाई जेड का वाई के रेस्पेक्ट में जेड ही होगा, तो जेड माइनस जेड। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये सब कैलकुलेट होके जीरो आ रहा है भाई, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो कर्ल निकल के आया वो कितना आया जीरो, तो इसका आंसर चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूं इसका आंसर, है ना, तो कर्ल ऑफ वी वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, तो कर्ल कितना आ गया जीरो आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ये इरोटेशनल है। देखिए ध्यान दीजिए, जिस जिस क्वेश्चन का आंसर, जिस जिस का कर्ल जीरो आएगा, जिस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल जीरो आएगा उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम इरोटेशनल वेक्टर कहेंगे, और जिसका डाइवर्जेंस जीरो आएगा उसको कहेंगे सोलेनोइडल वेक्टर। तो एक चीज आप ध्यान रखें, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और यहां पर इसका कर्ल जीरो आ गया, तो आप यहां पर लिखेंगे आर वेक्टर इज एन इरोटेशनल वेक्टर, भले ही आपसे पूछा है या नहीं पूछा है, अगर कर्ल जीरो आ रहा है तो आप उसको इरोटेशनल वेक्टर लिखेंगे। यानी कि यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कि हेंस हेंस आर वेक्टर इज एन इरोटेशनल वेक्टर, तो आर वेक्टर कैसा वेक्टर है, एक इरोटेशनल वेक्टर है, भले ही नहीं पूछा लेकिन हम लिख देंगे कि ये इरोटेशनल वेक्टर है क्योंकि कर्ल इसका जीरो आया है। इससे पहले भी अगर किसी क्वेश्चन में कर्ल जीरो आ रहा है, देखो इसमें जीरो आ रहा है, इसमें तो पूछा था इरोटेशनल तो लिखना ही पड़ेगा। इससे पहले हम बात करें, देखो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था कि क्या है,
लेकिन हमारा कर्ल जीरो आया, तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे, हेंस आर वेक्टर इज एन इरोटेशनल वेक्टर। ठीक, तो ये हमारा कर्ल डाइवर्जेंस। अगर डाइवर्जेंस किसी का जीरो आ रहा है तो उसको हम लिख देंगे कि वो क्या है, सोलेनोइडल वेक्टर है। अब यहां पर आपके लिए दो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक बार ध्यान दीजिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल। आपको इसका फंक्शन का डाइवर्जेंस और कर्ल कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार समझ लीजिए। देखिए आपको जो गिवन फंक्शन है, जरा फंक्शन पे ध्यान दें, आपको जो गिवन फंक्शन है ये दिया गया है, एफ वेक्टर इक्वल टू ग्रेडियंट। अब जरा ध्यान देना, मैं ग्रेडियंट आपको इसके पहले दो लेक्चर में, मैंने आपको दो तीन लेक्चर में आपको ग्रेडियंट पढ़ाया है ना। तो अगर हम आपको ग्रेडियंट कैलकुलेट करना अच्छे से आता होगा, आप इस फंक्शन का पहले ग्रेडियंट निकालेंगे। मतलब अब इसमें देखो तीनों चीजें मिक्स हो गई, डाइवर्जेंस भी, कर्ल भी और ग्रेडियंट भी। पहले आप इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालेंगे, तो आपको मालूम है ग्रेडियंट हमेशा वेक्टर फंक्शन आता है। तो ये जो फंक्शन यहां से आएगा ना, वो एक वेक्टर होगा जिसको हम नाम दे दिया एफ वेक्टर। ठीक है, उसके बाद जब ये एफ वेक्टर आपके पास आ जाएगा तो उसका आप डाइवर्जेंस भी निकालेंगे और कर्ल भी निकालेंगे, जैसा हमने अभी किया है। तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बड़ा है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें तीन काम करने हैं। पहले ग्रेडियंट निकालना है, फिर डाइवर्जेंस निकालना है और फिर कर्ल निकालना है। यानी कि यहां पर तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ आ गए एक ही क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों कैलकुलेट करना आ भी जाएगा और तीनों में क्या अंतर है यह भी समझ में आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसमें आपको k की वैल्यू पूछी गई है और कहा गया है इफ द वेक्टर v, हाँ यहां पर जो ये गिवन वेक्टर है, अच्छा इसमें एक चीज मिसिंग है। देखिए आपको इसमें p की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, p की वैल्यू आपसे पूछी गई है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ k, सॉरी p k है यहां पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द वेक्टर। अगर ये गिवन वेक्टर आपको क्या दिया है, अगर ये गिवन वेक्टर इरोटेशनल है। देखिए यहां पर एक स्टेप मिसिंग है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द वेक्टर वी इज एन इरोटेशनल वेक्टर। ये इरोटेशनल वेक्टर है, मतलब आपको ये गिवन है कि ये जो गिवन वेक्टर है ये इरोटेशनल वेक्टर है। तो अगर ये इरोटेशनल वेक्टर है तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो आपको यहां से के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये इरोटेशनल वेक्टर है। तो एक चीज और ध्यान रखें, देखिए इस तरह के क्वेश्चन डाइवर्जेंस में भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको इसका डाइवर्जेंस अगर जीरो है तो के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, क्लियर है। तो डाइवर्जेंस अगर जीरो है तो के की वैल्यू क्या होगी, और अगर ये इरोटेशनल है, मतलब अगर ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन सोलेनोइडल है। देखिए यहां पर और क्या हो सकता है, इफ इट इज अ सोलेनोइडल वेक्टर तो यहां पर के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, और अगर ये इरोटेशनल है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें अपने आप, ये क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो हमारा यहाँ पर जो कर्ल एंड डाइवर्जेंस का एक बेसिक लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने दो दो मार्क्स के क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर हैं उसमें हम डाइवर्जेंस और कर्ल के और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।